नमस्ते मित्रों, आज हम कुछ ऐसी बात बताएं जो पहले हमने बता दी थी मोटापे की, कि मोटापा एक रोग है। अब उससे एकदम उल्टी बाजू हम सोचे तो क्रूश शरीर, क्रूश यानी एकदम पतला, वह भी एक रोग है। अब क्यों रोग है, कैसे होता है, क्या ध्यान रखना चाहिए और उसमें उपचार क्या है, आज हम वह बात सब देखेंगे। सबसे पहले हम ये सोचे कि क्रूशता रोग क्यों है, क्योंकि आजकल तो एक फैशन है कि शरीर को एकदम पतला बना दो तो तुम सुंदर लगोगे। लेकिन कुदरती ढंग से शरीर पतला होना और कृत्रिम रीत से आप उसको पतला बनाओ तो उससे भी रोग उत्पन्न होते हैं और आपकी हेल्थ पर असर करता है। आज हम ये बात देखें कि जो व्यक्ति खाने का इतना खाती है कि जो सामान्य लोग से ज्यादा है, फिर भी उनका शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा होता है, जैसे हैंगर पर कोई सुंदर कपड़ा लटका दिया हो, उनके कपड़े हैंगर पर लटके कपड़े जैसे ही लगते हैं, शरीर चमड़ी से चिपका हुआ हड्डियों का ढांचा जैसा होता है। आप कितना भी सुंदर तैयार हो, सुंदर कपड़े पहनो, लेकिन आपका शरीर ही पतला सोटी जैसा हो तो क्या वो सब चीजें अच्छी लगेगी? ये तो हुई बाह्य चीजों की बात। अब हम आंतरिक रूप से देखें तो जो व्यक्ति एकदम पतले हैं, क्यों होते हैं ऐसे लोग? अपने आप प्रयत्नों से पतले हो जाओ वो अलग चीज है, लेकिन खुद पतले हैं तो उनको कौन कौन से रोग होते हैं, क्यों पतले होते हैं? तो सबसे पहले हम उसके कारण देखें कि जो व्यक्ति बहुत परिश्रम करती है यानी मेहनत का काम करती है, उसका शरीर बढ़ता नहीं यानी कि जरा भी मोटा नहीं होता, और अधिक श्रम और करेंगे तो उनकी हड्डियों के साथ उनकी चमड़ी चिपक गई है, ऐसा पतलापन आ जाता है। हम अकालग्रस्त लोगों को देखते हैं या तो एकदम भूखे मरते बच्चों को देखते हैं तो वह भी एक रोग ही है। अब हम देखें कि दूसरा कारण क्या है पतला होने का, तो वह है अनिद्रा या अयोग्य खान पान। आप समय पर नींद नहीं लेंगे तो भी आप एकदम पतले हो सकते हैं। अनिद्रा यानी पूर्ति नींद ना लो जो जरूरी है तो भी यह रोग हो सकता है। तीसरा कारण है आपका खान पान यानी कि आप कभी भी कहीं भी खा लेते हो, जब भी भूख लगी तब, तो वह भी हो सकता है। आप सोचेंगे हम इतना खाते हैं तो पतले क्यों हैं, लेकिन आपने जो भी खाया वो समय पर नहीं खाया है तो वो पचता नहीं है, उसका रस हमारे शक्ति के उपयोग में नहीं आता है और तब पतलापन कायम रहता है। अब ये पतलापन क्यों है वह हमने बताया, अब हम ये देखें कि कितने प्रकार के पतले लोग होते हैं। एक तो है जो रोगी है, बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, वह पतला हो सकता है। दूसरा, बहुत खाने वाला भी पतला होता है। और तीसरा यह है कि जो थोड़ा थोड़ा दिन भर खाता रहता है और फिर भी उसको भूख लगती ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति बहुत खाता है, 20-25 रोटियां खा जाता है और फिर भी उसका शरीर नहीं बनता। दूसरा, बहुत कम खाता है तो भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता है और गैस हो जाता है और उसका शरीर चर्बी युक्त नहीं बनता यानी स्वस्थ नहीं रहता। अब उसका कारण हम देखें तो जब तक आपकी डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी नहीं होगी तब तक आप
आपका शरीर, आप कुछ भी मेवा मिठाई दूध बादाम पिस्ता तब घी से बनाई हुई पूड़ियाँ खाए, हलवा खाए, ताकि आपका शरीर सुंदर बने, लेकिन ये शक्य नहीं है। क्योंकि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जब हम कुछ खाते हैं तो वहाँ एक खट्टा रस चढ़ता है, उसकी बूंदे बूंदे जब अंदर गिरती है तो हमें भूख का एहसास होता है। यदि उनका रस नहीं बनता तो वो जो एसिड है वो हमारे शक्ति देने वाले रस को जला देता है, यानी कि वो खा जाता है। तो कितना भी खाओगे तो भी उसका रस नहीं बनेगा, रस बनेगा तो एसिड के साथ मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से आपके खाने का असर आपके शरीर पर नहीं होगा। तो ऐसी व्यक्ति को कभी भी बहुत हेवी खुराक, घी मलाई मिष्ठान च्यवनप्राश या बहुत शक्ति देने वाली चीजें खाए करने से आपका स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि चर्बी थोड़ी बढ़े, आप स्वस्थ हो जाए, आपको बार बार दस्त ना हो या तो गैस ना हो जाता हो, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वभाव। हम लोगों में एक कहावत है कि कमजोरों को गुस्सा बहुत, वो कहावत ऐसे ही नहीं पड़ी है, सच्ची। जो व्यक्ति कमजोर है उसको गुस्सा अधिक आता है, तो उनको गुस्सा क्यों आता है? सामान्य लोग से ज्यादा गुस्से वाले वो क्यों है? तो हमारी जो चमड़ी है शरीर की, उसके नीचे जो चर्बी की एक पूरी सतह है, हमारे गुस्से का जो वाइब्रेशन हमारे दिमाग से आता है तो वो चर्बी पर पहले जाता है। वह थर यदि पतला है तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो सामान्य मोटा है, शरीर को शक्ति देने वाला है तो गुस्सा कम आता है। इसके लिए भी थोड़ी चर्बी होना जरूरी है। अब हम ये देखें कि ये चर्बी क्या काम की, तो जो हमारे अंग प्रत्यंग है शरीर के अंदर के जो अच्छे अच्छे संस्थान भगवान ने बना के हमें भेजा है, जैसे गर्भाशय है, हृदय है, फेफड़े है, आंत है, डाइजेस्ट सिस्टम का पूरा सिस्टम है, किडनी है, उन सबको अपनी अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए भगवान ने ये चर्बी भी हमें दी है। जैसे हम कांच के बर्तन लेते हैं या बड़ी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थर्मोकोल के टुकड़े लगाए जाते हैं, ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं, वो चीज़ बिगड़े नहीं। समझ लो कि वही चीज़ भगवान ने हमें चर्बी के रूप में दी है, ताकि हमारे जो अंग उपांग है अंदर के, उनको अपनी जगह स्थिर रखने के लिए ये जरूरी है। अब जो पतले लोग हैं एकदम, जिसमें चर्बी है ही नहीं, तो वह लोग के ये जो अंग उपांग है अंदर के, वो थोड़े थोड़े हिल जाते हैं, और जो अपनी जगह जरा भी हिलते हैं तो वहाँ एक रोग उत्पन्न होता है, जैसे किडनी हिल गई, यानी वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिला, हृदय को सपोर्ट नहीं मिला, फेफड़ों को नहीं मिला, तो वहाँ कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए एकदम पतला होना भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब हम ये सोचे कि इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए, यदि सचमुच यह बीमारी है, तो आप सोचेंगे कि आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है। एलोपैथ वाले तो बहुत बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ या से एलोपैथ में बनाई हुई दवाइयाँ, आपको आयरन खाओ, विटामिन्स खाओ, आयुर्वेद में भी है, च्यवनप्राश खाओ, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो
गोल्ड भस्म से बनी है। लेकिन पहले ये तो सोचो कि ये अंदर पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होगी कि नहीं, आपकी आंत उसको एक्सेप्ट करेगी, उसमें जो रस पैदा हुआ है क्या उससे आपको शक्ति, खून और चर्बी बनेगी? नहीं। जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा वह उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा मुलायम आपके अंदर के स्रोत नहीं होंगे तब तक आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते। दूसरा भ्रम ये कि मोटा होने की यानी कि शक्ति आने की जो दवाइयाँ आयुर्वेद में है वो खाने से हम मोटे हो जाएंगे, तो ये भी एक गलत फहमी है। स्वस्थ होना और मोटा होना में बहुत फर्क है। कोई भी चीज खाए आपको हजम हो जाए तो आपको कोई रोग नहीं होगा, उससे मोटापा कभी नहीं आता, क्योंकि हमारे शरीर में जो छह रस है वो छह के छह की जरूरत है। यदि आप कुछ भी कम कर दो, पेपर में आया हमने नमक छोड़ दिया, पेपर में आया हमने घी छोड़ दिया, पेपर में आया हमने तेल छोड़ दिया, यदि ये सब छोड़ देने के बाद आप पतले हुए हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप खाली पतले नहीं हो रहे हैं, आप रोग को निमंत्रण दे रहे हैं। हर चीज की हमारे शरीर में बचपन से जो आदत है, नमक मिर्च मसाला जो मात्रा में है वो जरूरी है, उससे हमारे शरीर की शक्ति बनी रहती है। मित्रों, फिर हमने देखा कि भी पतलापन भी एक रोग है। अब रोग है और उसके साथ साथ मन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमने देख लिया। अगली कड़ी में हम देखेंगे उसके उपचार। लास्ट कड़ी में हमने ये देखा कि पतलापन भी एक रोग है। इस कड़ी में हम उस रोग का इलाज सामाजिक, आर्थिक, आयुर्वेद और मैग्नेट चार प्रकार से कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम अब उसके इलाज के बारे में बातचीत करें। अब पतले लोगों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उनको अपना जीवन नियमित करना है। जीवन नियमित करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपके मन को सेट करना पड़े कि आपको नेगेटिव विचार दूर करने चाहिए, क्योंकि हर पतली व्यक्ति आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक चार प्रकार से वह व्यक्ति परेशान रहती है। समाज में अपने आप को वो गिल्टी महसूस करती है। अब इसी तरह घर में भी वातावरण बिगड़ा रहता है उनके चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से, तो पहले तो अपने आप पर थोड़ा संयम रखना सीखे और नेगेटिव विचारों को दूर करें ताकि आपकी मानसिक स्थिति सुधरती जाए। उसके बाद मानसिक स्थिति में आप ये सोचो अब मैं जरूर स्वस्थ हो जाऊंगा। आप सोचेंगे पतला होना कोई रोग थोड़ा है, लेकिन रोग है। आप जब तक हेल्दी नहीं हो जाओगे, यानी आपकी उम्र और आपकी ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन भी न बढ़े तब तक आप बीमार हैं। तो ये भी देखिए, हर महीने एक बार अपना वजन कराइए ताकि आपको मालूम पड़े कि स्वभाव सुधरने के बाद आप कितने हेल्दी हुए। अब दूसरा है आपका खान पान। आप कितनी भी दवाई लेंगे आप मोटे नहीं होंगे, यानी स्वस्थ नहीं होंगे, वजन नहीं बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले एनीमा घर में रखनी चाहिए जो हर मेडिकल स्टोर में मिलती है। अल्टरनेट डे करीब महीना भर आपको एनीमा लेनी चाहिए ताकि आपके पेट के अंदर जमा हुआ जो माल है, यानी खराबी है, दस्त जो चिपक गया है,
जिसकी वजह से आपका खाना हजम नहीं होता है, न उसके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, उसी से बनता है, रस से। अब जब रस ही खराब है तो ये सब रस खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले एनिमा आपके घर में रखिए। दूसरी बात कि आप कोई तीव्र जुलाब की दवाई कभी मत लीजिए। आपको पेट साफ करने के लिए कैस्टर ऑयल लेना चाहिए, यानी एरंड का शुद्ध तेल। अब ये कितना लेना है तो आपकी सेहत के हिसाब से आप पाव चम्मच गुड़ के साथ मिला के निगल जाइए, आपको पीना अच्छा ना लगे तो। उससे भी एक महीने में आपका पेट या फिर डाइजेस्ट सिस्टम सुधर जाएगी। अब इसके आगे जब आपको लगे अब मेरा खाना हजम हो रहा है, मुझे नींद अच्छी आती है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया है, सब लोग मुझे हंस के मिलते हैं और मैं भी अब हंस सकता या हंस सकती हूँ, तब आप दवाई शुरू करें। अब दवाई में भी सबसे पहले तो खान पान ही आएगा कि खान पान क्या लेना चाहिए। तो आप भीगे हुए कड़धान्य, उसमें गेहूं भी आ सकता है, जिसको एक दिन भिजा के 3 दिन उसको अंकुरित होने दीजिए और वह अनाज आप चबा चबा के खाइए। 2-2 घंटे को आपको जितनी भूख है उतना वह अंकुरित अनाज खाइए। एक और बात ध्यान रखिए कि आप कहेंगे कि इस महंगाई में हम गरीब लोग ये मेवा मिष्ठान दूध मलाई कहाँ से खाएं, तो वो सब जरूरी नहीं है। आप कच्ची मूंगफली और गुड़, उसका 10-20 दाना और थोड़ा सा गुड़ रोज खाया कीजिए चबा चबा के। उससे आपके ब्लड बढ़ेगा और आपकी सेहत में फर्क आएगा। रात को चना भिगा दीजिए 1 मुट्ठी पर, सुबह वो भिगा हुआ का पानी पी जाइए और वह चना भी आप चबा चबा के 1 मुट्ठी सुबह नाश्ते की जगह खा लीजिए। धीरे धीरे आपकी सेहत में परिवर्तन आएगा। और खाना खाते समय ध्यान रखिएगा, बहुत मिर्च मसाला ना खाइए। खाना ऐसा फीका लगता है तो आपकी रुचि का स्वाद जीराला है या तो चाट मसाला है, कुछ भी डाल के भी आप सलाद खाया करिए। सलाद में बहुत सी चीज़ें हैं, जो लाल रंग की चीज़ें हैं वह खाने से आपका ब्लड बढ़ेगा। अब लाल रंग में टमाटर है, बीट है, गाजर है, ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आई दवा की बात, तो आपको सामान्य दवा के रूप में आप सुबह 3 कट्टू की गोली लीजिए, 1 गोली बस है। दोपहर को आप रसायन की 1 गोली लीजिए और रात को त्रिफला की 1 गोली लीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी सेहत में फर्क आएगा। उसके बाद आप जो आपकी हैसियत हो ऐसा हेल्दी खुराक लीजिएगा। गुड़ और घी सबसे हेल्दी चीज़ है। शक्कर की मिठाई हो सके इतना कम खाओ। अब लास्ट में हम ये देखें कि हमारा चुंबक इसमें क्या काम करता है। तो ये जो चुंबक है उसका सेट यदि आपके पास है तो पेट पर सुबह 1 घंटा ये राइट और लेफ्ट रखने से 1 घंटे में आपकी आंत एकदम स्वस्थ होके आपको लेट्रिन लग जाएगी। लेट्रिन का ध्यान इसीलिए रखना है कि एक बार आप जाते हैं तो आप निरोगी हैं, नहीं लगती है तो मैग्नेट इसमें आपको बहुत फायदा देता है। और इसका पानी यदि सुबह 1 गिलास भर के पी लें तो भी आपकी सेहत में फर्क आएगा। हफ्ते में 1-2 बार जब टाइम मिले तो इसी मैग्नेट से पूरे बॉडी को आप मसाज कीजिए। उससे आपके शरीर का जो ब्लड है वो वाइब्रेट होगा और चर्बी बढ़ती रहेगी। इस तरह आज हमने आपको
पतला होना एक रोग है उसकी जानकारी दी। अगली कड़ी में हम कोई दूसरा रोग आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे मिलते रहिए। नमस्ते।